नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं मुझे वीडियो पर और सभी ने कहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, तो उस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियोस लेकर आऊँगी सभी टॉपिक पर। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस वीडियो को, हर एक वीडियो को बहुत प्यार देने के लिए, बहुत सम्मान देने के लिए। और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको हर एक वीडियो से लाभ ज़रूर पहुँचेगा और बहुत जल्दी पहुँचेगा। माता रानी की ऐसी ही कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो आज की मेरी वीडियो है वो मैं लेकर आई हूँ शुक्र ग्रह के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह के लिए वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, हर बार लेकर आऊँगी, और आसान और असरदार उपाय आपको ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि हमारा गुरु ग्रह, हमारा शुक्र ग्रह हमारे लिए बेहद ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो शुक्र ग्रह जब हमें मिल जाता है, जब वो मजबूत होता है, तो हमें एक लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करता है। हमें ऐसी ज़िंदगी मिलता है जहाँ पर हमें धन की कोई भी कमी नहीं होती, हमारे लव लाइफ में कोई कमी नहीं होती है, हमारे धन में कोई कमी नहीं होती है, हमारी पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं होती है। तो अगर आपके जीवन में ये सब चल चाहते हैं, आपके आगे लंबे समय तक होता रहे, तो शुक्र के हर एक उपाय करते रहें। एक उपाय ख़त्म होने के बाद दूसरा उपाय ज़रूर करते रहें। मेरे पहले के उपाय देखने के लिए आप पहले की वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने हर एक तरह के आसान उपाय आप लोगों के लिए शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए बताए हुए हैं। और अगर शुक्र ग्रह आपका वीक है तो इससे आपको आराम से पता चल जाएगा कि आप में पैसों की कमी बहुत ज़्यादा होगी, पैसे जमा नहीं होंगे, लव लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो इससे पता लग जाता है कि आपका शुक्र ग्रह जो है वो ख़राब है। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको आसान और बहुत ही असरदार उपाय बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका शुक्र ग्रह बेहद मजबूत होगा और हमेशा के लिए वो मजबूत ही बना रहेगा। तो पहला उपाय मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपने शुक्रवार के दिन, ये सिर्फ आपने एक बार ही करना है या आप महीने में एक बार कर सकते हैं, इसमें आपने शुक्रवार के दिन किसी भी विधवा को आपने सफ़ेद दुपट्टा दान करना है और आपने सुबह के वक्त ये करना है। ये जो उपाय है ये आपने ना दोपहर को करना है, ना शाम को, ना रात को, ये उपाय आपने सुबह के वक्त करना है। और किसी भी एक विधवा को आपने सफ़ेद दुपट्टा, अगर वो गरीब है विधवा, तो उसे सफ़ेद दुपट्टा आपने दान कर देना। या तो आप उसे दान कर सकते हैं या तो किसी ऐसी लेडी को दान कर सकते हैं जिसका डिवोर्स हो चुका है और वो गरीब घर से है, तो उसको भी आप सफ़ेद दुपट्टा दान कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन ही करना है, सिर्फ महीने में आपने एक बार करना है। इससे आपका शुक्र ग्रह आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और धन की भी आपकी जितनी भी कमी है वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये है पहला उपाय। अब दूसरा उपाय ये है कि आपने शुक्रवार के दिन से शुरू होकर लगातार 11 दिन तक, यानी कि जो शुक्रवार है वो आपका पहला दिन होगा, शुक्रवार के दिन से शुरू होकर लगातार 11 दिन तक आपने कटोरी में कच्चा दूध लेना है कटोरी में। और अगर वाइट कलर की आपकी क्रॉकरी है या कटोरी है तो वो यूज़ करें, तो उसमें आपने कच्चा दूध लेना है। उसको आपने राइट हैंड का जो आपका अंगूठा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि शुक्र ग्रह के का जो पर्वत होता है यहाँ, इस वो यहाँ पर होता है, अंगूठे के बिल्कुल नीचे होता है। तो आपने क्या करना है, अगर तो आपकी सेहत सही नहीं रहती है शुक्र ग्रह के, मतलब वीक होने से आपकी अगर सेहत नहीं सही रह रही है और आपके धन में बहुत कमी आ रही है, ये जो चीज़ है ये लक है, ये लक को बढ़ाती है। तो अपने लक को बढ़ाने के लिए, शुक्र ग्रह के लक को बढ़ाने के लिए, अपने कटोरी में जो कच्चा दूध आप लेंगे उसमें आपने पूरा अंगूठा ऐसे डुबो देना है और उसको मुंह में डालना है। ऐसा आपने इस तरीके से जब आप अंगूठा डालेंगे उसके बाद उसको मुंह में डालना, लगातार 11 बार करना है, उसी मतलब एक ही दिन में 11 बार करना है। और ये जो चीज़ है ये भी आपने 11 दिन तक ही लेकर जानी है, यानी कि शुक्रवार से शुरू होकर लगातार 11 दिन तक लेकर जानी है। और ये प्रक्रिया भी जो आप एक एक दिन में भी ये जो प्रक्रिया करेंगे अंगूठे में, मतलब दूध में अंगूठा डाल के जो अपने मुंह में डालेंगे, वो भी 11 बार ही करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका लक बढ़ेगा। जितने भी आपके लाइफ में आपको लगता है कि आप इस चीज़ में लकी नहीं हैं या आपका इन चीज़ों में लक नहीं चलता, तो आपका लक चलना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार के दिन से ये चीज़ आपने शुरू करनी है। और तीसरा उपाय आपने करना है, आपने व्हाइट कलर के रसगुल्ले लेने हैं शुक्रवार के दिन। ये भी आपने सिर्फ महीने में एक बार करना है। आपने सफ़ेद रंग के रसगुल्ले लेने हैं, आपने 10 रसगुल्ले लेने हैं। 10 में से 5 रसगुल्ले आपने
माता रानी के मंदिर में, यानी कि लक्ष्मी माता के मंदिर में आपने देकर आने हैं, मतलब दे देने हैं खाने, मतलब वहाँ पे दान कर देने हैं, और जो बाकी के 5 रसगुल्ले बच जाएंगे वो आपने आपके परिवार ने खा लेने हैं। मतलब 5 आपने दान मतलब वहाँ मंदिर में देकर आने, मूर्ति के सामने, लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने, दुर्गा जी की मूर्ति के सामने रखा है शुक्रवार के दिन सुबह के समय, और बाकी के जो 5 रसगुल्ले हैं वो आपने घर ले आने हैं और आपस में पूरे परिवार ने खा लेने हैं, आपने भी और सभी ने, लेकिन लाने सिर्फ 5 है। अगर परिवार की ज़्यादा जने भी है तो उसको आधा आधा करके ले लें, बड़े रसगुल्ले लेकर जाएं, तो ये आपने खाने हैं। अगला उपाय जो आपने करना है वो है कि आपने 2 मोती लेकर आने हैं, 2 मोती लेने हैं अपने, सुच्चे मोती जो व्हाइट कलर के मिल जाते हैं वो लेकर आने हैं, शुक्रवार के दिन ही लेकर आने हैं। इसमें से 1 मोती आपने अपने पास रखना है, अपने पर्स में रख सकते हैं, जेंट्स हो चाहे लेडीज हो अपने पर्स में रख सकते हैं, और जो 1 मोती होगा वो आपने कहीं पर जल प्रवाह कराना है, जहाँ पे नदी या कोई झरना आपके आसपास है, शुक्रवार के दिन ही जब मोती लाएंगे 1 मोती अपने पर्स में रखना है और दूसरा मोती आपने जल प्रवाह कराना। जब जल प्रवाह कर देंगे तो पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना, ये भी आपके धन में वृद्धि करेगा, ये चीज़ आपने करनी है। इसके साथ आपने शुक्रवार के दिन किसी भी गरीब को, देखिए महीने में कोई भी एक शुक्रवार ले लें, अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकते हैं तो कम पैसे खर्च करके लेकिन कोई भी चीज़ दान करें, लेकिन वो सफ़ेद रंग की हो, किसी भी गरीब को, चाहे आप महीने में एक शुक्रवार किसी भी गरीब को सफ़ेद चीज़ें खाने को दे दें, सफ़ेद मिठाइयाँ, रसगुल्ले हो गए, दही बच्चों को दान कर दी, गरीब बच्चों को, गरीब परिवार में आपने दूध दे दिया, या इस तरीके से वाइट चीज़ें आपने महीने में एक बार किसी भी मतलब गरीब परिवार को या गरीब पर्सन को दान करनी है, तो आपने ये चीज़ करनी। अगर आप खाने की चीज़ नहीं कर सकते हैं तो कोई कपड़ा दान कर सकते हैं, जैसे सफ़ेद चुन्नी हो गई, सफ़ेद दुपट्टा, सफ़ेद कपड़े, ये चीज़ आपने दान करनी है। इसके अलावा आप सफ़ेद रंग की अपने घर में बेडशीट बिछा सकते हैं, कवर बिछाए, सफ़ेद क्रॉकरी में मतलब खाना खाए। अगर आपके पास पैसे की अभी दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत अभी नहीं आ रही है ज़्यादा, तो प्लीज़ अपने पूरे घर में वाइट रंग का पेंट ज़रूर करवाएं, जो आपको बहुत लाभ देने वाला है, आपके पूरे घर को लकी बनाएगा, आपको लाभ देगा, आपके परिवार में जितने भी मेम्बर्स हैं उनको भी ये चीज़ लाभ देगा। इसके साथ साथ कोई भी नई चीज़ अगर आपने लेनी हो, चाहे आपने कार लेनी हो, चाहे आपने जैसे अपने घर में टाइल्स लगवानी है तो वो भी वाइट कलर की लगवाएं, अगर कार लेनी है न्यू तो वो भी वाइट कलर की लें, और स्पेशली अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर कभी भी नए कपड़े खरीदने हो तो वो भी शुक्रवार के दिन खरीदना बहुत लकी होता है, क्योंकि शुक्रवार हमें धन रिलेटेड चीज़ें देता है, तो कोई भी नए रंग के कपड़े लेने हो, ब्लैक के अलावा कोई भी नए रंग के कपड़े लेने हो तो शुक्रवार के दिन आप ज़रूर रखें। तो ये चीज़ें आपने करनी है जो कि आपके धन में वृद्धि करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को मतलब बढ़ाएगी, और साथ साथ आपका शुक्र ग्रह बेहद बेहद मजबूत होगा और आपकी पूरी लाइफ जो है वो लकी हो जाएगी। तो ये उपाय आपने ज़रूर करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।